शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किस्मत की लकीरों से अरे अवनी, क्या हो गया? तुम इतनी घबराई भी क्यों हो? वो श्रद्धा, मैं यहाँ बैंक में आई थी, पैसे निकालने थे। ये इतना घबराई हुई क्यों है? अरे क्या हुआ, तुझे कभी अकेला छोड़ा क्या मैंने? देख, तेरे लिए आ गया ना मैं। श्रद्धा, तुम यहाँ? वो एक्चुअली मैं अवनी के लिए यहाँ पे आया था। मेरा मतलब है कि वो अवनी को इस बैंक से ना लोन चाहिए था, तो इस बैंक का जो मैनेजर है वो मेरा दोस्त है, तो मैंने ही उसे कहा कि मैं उससे बात कर लूंगा तो फटाफट तुम्हें लोन मिल जाएगा। और अवनी, मैनेजर ने तुम्हारा लोन अप्रूव कर दिया, तुम चाहे तो तुम भी उससे मिल लो। ये तो बहुत अच्छी बात है वरुण, थैंक यू। यू वेलकम। अच्छा, तुम्हारा काम तो हो गया, अब तो मैं चलता हूँ, बाय। श्रद्धा, तुम कहो तो कहीं तक छोड़ दूँ तुम्हें? अरे नहीं वरुण जी, आप जाइए, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, तो मैं तुमसे घर पे मिलता हूँ। मैं भी चलती हूँ श्रद्धा, बैंक मैनेजर से भी मिलना है ना, इसीलिए मिलते हैं। एक तो श्रद्धा फोन नहीं उठा रही है, ऊपर से मेरी बाइक का टायर भी अभी पंचर होना था। श्रद्धा फोन उठाओ, वेंडर के पास लेट हो जाऊंगा मैं आने में। भाई सर आगे गंज तक जाना है। हाँ बैठिए बैठिए बैठिए, चलिए। तैयार होके बैठे, तो दीदू वरुण जी अभी तक आए ही नहीं हमें ले जाने। एसपी होटल लेकर गए थे वो। कहीं वरुण जी और अभी के बीच इस बार दोस्ती से ज्यादा गहरा कुछ और रिश्ता तो नहीं बन गया है? अरे मैडम देख के चलो ना। मरवाएगा क्या?
ऐसे टेढ़ा मेढ़ा क्या चला रहा है? अरे सर ये बच्चे देख रहे हैं आप सड़क पे कूद रहे हैं फाड़ रहे हैं बीच में आ गए तो कट मारना पड़ा, क्या करें? बेटा कुछ नहीं होगा, हॉस्पिटल भाई साहब यहाँ पे ना एक गली छोड़ के अस्पताल है, आप वहाँ बच्चे को ले जाइए, वहाँ ठीक हो जाएगा बच्चा, आप ले जाइए भाई साहब। शुक्रिया शुक्रिया धन्यवाद। पहले बेसन में डाल के अरे वाह वाह कीर्ति ऐसी क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़े बना रही है तू, वाह वेरी गुड। अरे अरे कीर्ति रानी हमेशा अपने ही मुंह से अपनी तारीफ करती रहोगी या कभी हमें भी मौका दे दिया करोगी अपनी तारीफ करने का? इन फरमाइशी पकौड़ों की गाड़ी ना वो अजी अभी आपके स्टेशन पे आई नहीं है, तो अभी सबसे पहले गोभी के पकौड़े पापा जी के फेवरेट ये बनेंगे, फिर वरुण जी के फेवरेट बनानी है आलू के पकौड़े, लास्ट में स्पेशल दीदू की फेवरेट बैगन के पकौड़े ये बनेंगे, और बुआ जी आपकी फरमाइश ना लास्ट लास्ट सबसे लास्ट। मजे अच्छे हैं लेकिन ज्यादा अच्छे पकौड़े बनाने के लिए पता है तुम्हें क्या करना होता है? इसमें ना जरा सा मकाई का आटा मिलाना होता है, इससे हाय क्या करारे पकौड़े बनते हैं। वैसे तुमने ना इसमें मिलाया नहीं है, कहाँ है मकाई का आटा? अरे मेरा यहाँ पर है। अब देखो माल, इसे हम जरा सा डालेंगे और फिर देखना इतने अच्छे पकौड़े करारे पकौड़े मिलेंगे। अरे कीर्ति तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है क्या? तुम देखना इतने अच्छे पकौड़े अब बनेंगे। अरे क्या किया आपने बुआजी, क्या किया? हमने ईमानदारी से वीडियो देख देख के नाप तोल कर सब कुछ डाला, आपने अपना हाथ डाला और सब बिगाड़ दिया। कीर्ति रानी तुम कब से रिश्ते और पकोड़े नाप तोल के बनाने लगी हो? अरे इससे अच्छा तो ये होता कि तुम हमसे बनाना सीख लेती। क्या सीख लेते, क्या सीख लेते? जिस घर में रहते हैं जिनका खत है उन्हें कैसे ताना मारा जाए? देखो हमारे हाथ के बने पकोड़े ना खाने तुम्हारे नसीब में नहीं है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी गलती नहीं है। अच्छा अच्छा है कि आपके हाथ का बना हुआ खाना हमारे नसीब में नहीं था, हमारा नसीब ना बहुत अच्छा है। अरे क्या पागल हो गई हो क्या, कैसी बातें कर रही हो हमसे? अरे सुबह तुम्हारी जरा सी तारीफ क्या कर दी, अब हमारे सर पर चढ़ोगी तुम? सर पे चढ़ना क्या होता है बताएं आपको, बताएं आपको ये। अरे नमस्ते भाई साहब, आइए 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 अंदर आइए। जी थोड़ी सी मिठाई है। इसकी क्या जरूरत थी, आइए ना आइए बैठिए। यशवी जी कैसी हैं? हाँ काफी दिन हो गए उन्हें गए हुए। हाँ उनकी माता जी की तबीयत थोड़ी खराब चल रही है, थोड़ा समय लगेगा उनको आने में। अब कीर्ति नजर नहीं आ रही है? अरे वो आपके लिए खास पकौड़े बना रही है। अच्छा देखिए क्या हालत की आपकी बहू ने हमारी।
अच्छा और हमने जो इतने प्यार से पकौड़े का घोल बनाया था उसमें अपना हाथ डाल के सब बर्बाद कर दिया वो नहीं बताएंगी आप? डॉक्टर साहब ये मेरे दोस्त का बेटा है इसको बहुत चोट आई है वो गाड़ी वाले ने उसे टक्कर मार दिया प्लीज देखिए ना इसे इसके पापा को मैंने फोन कर दिया वो बस आते ही होंगे आप प्लीज इसे देखिए ठीक है आप थोड़ा बाहर बैठकर इंतजार कीजिए मैं देखता हूँ प्लीज देख पापा की दुकान वापस शुरू करनी है मुझे मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए जा नहीं देता पैसे अब वो मेरा बेटा ठीक तो है ना क्या कहा डॉक्टर ने डॉक्टर देख रहे हैं उसे पट्टी वट्टी होगी वो ठीक है तू घबरा मत सब ठीक हो जाएगा देखो हमने ना कुछ गलत नहीं किया था हमने सिर्फ मकाई का आटा इसलिए डाला था ताकि पकौड़े अच्छे बने लेकिन तुमने पूरे का पूरा डिब्बा हम पर उलट दिया मदद मांगी थी हमने मांगी थी नहीं ना तो जबरदस्ती मदद करने की क्या जरूरत थी कीर्ति कैसे बात कर रही हो तुम सही बात कर रहे हैं पापा इनको ना बस तीन चीज आता है एक दूसरों पे ताना मारना दूसरा दूसरों का खाना खाना और तीसरा सबका काम बिगाड़ना कीर्ति अरे मुझे ये क्या हो गया क्या हुआ तुम्हें दिखाई नहीं देता तुम अंधी हो पूछो ना अपनी पुकलेट बहन से उसने ये हालत की हमारी अरे जरा सा मकई का आटा पकोड़े के घोल में क्या डाल दिया इसने ऋतु की ये हालत कर दी कीर्ति कीर्ति क्या बदतमीजी है ये अच्छा तो आपको हमेशा की तरह हमारी गलती लग रही है ना मौका मिल गया ना आपको हमारी खुशियों में रोक टोक लगाने का वाह दीदू वाह शाबाश शाबाश कीर्ति क्या हो गया तुम्हें कुछ भी बोल रही हो बिल्कुल सही बोल रहे हैं हम पापा जब हम कुछ गलती करते हैं ना तो ये सबके साथ आ जाती है हमें गलती गिनवाने और जब हम सही करते हैं तो इनका मूड खराब हो जाता है चिड़ी चिड़ी घूमती है हमसे अरे जलती है ये हमसे क्या बोले जा रही है तू कीर्ति मैं जलूंगी तुझसे अरे बच्चों जैसी हरकतें करती है तू बड़ों से बात करने की जरा सी भी तमीज नहीं है तुझमें जो मन में आए वो करती है जो मुंह में आए बोलती है श्रद्धा आप ऋतु की गलती पे कीर्ति को क्यों डांट रही हैं हाँ वाह भाभी अरे हमको तो ये नहीं समझ में आता है कि आपको बहू का मोह है या कहर और हाँ श्रद्धा चाहे कुछ भी करे इस घर के लिए लेकिन सुनना बस उसे ही है हाँ हम श्रद्धा को सुना नहीं रहे हैं बस बता रहे हैं कि गलती ऋतु की है जब कीर्ति बना रही थी तो उनको क्या जरूरत थी बीच में दखल अंदाजी करने की भाभी आप एक काम कीजिए ना आप हमें लिख कर दे दीजिए कि इस घर में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए क्योंकि इस घर में क्या करना चाहिए ये दोनों बहुएं तय करती है ना हम तो कुछ है ही नहीं इस घर के लिए भाई साहब ऋतु की तरफ से हम माफी मांगते हैं चलिए भाभी यहाँ ना किसी को तमीज नहीं है सबको यही लगता है कि गलती हमारी है हाँ चलिए आप बैठे ना हम अभी चाय लेकर आते हैं अरे नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं अब मैं चलता हूँ देर हो रही है आइए ना पापा मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ जाओ बेटा हमने ना बहुत अच्छे पकौड़े बनाए हम लेकर आते हैं
बेटा मुझे तो लगा था कि कीर्ति सुधर रही है, पर वो तो पापा वो कोशिश तो कर रही है ना। हाँ वैसे मैं आप भी जानते हैं कि कोई भी इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। बेटा मुझे तो तुम दिलासा दे देती हो, बस सारी परेशानियां अकेले अपने मन में रखती हो। नहीं पापा सब ठीक है, आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं, सब ठीक है। बेटा कोई भी तकलीफ होगी तो एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारे साथ रहे। बता देना, चलता हूं, तुम दोनों अपना ख्याल रखो। जी पापा। कैसे बताऊं आपको पापा कि मेरे मन में जो शक है अगर वो सच हो गया तो कीर्ति गुस्से में ना जाने क्या कर बैठेगी। जी सर। श्रद्धा उस वेंडर को पैसे नहीं दिए तुमने अब तक, वो कब से फोन कर रहा है मुझे? अब सर उसे पैसे मिल जाएंगे, मैं अभी कॉल करती हूँ। जी सर। डॉक्टर साहब ये बच्चे के पापा हैं। हेलो, सिर्फ ऊपर से खरोच आई है, चिंता की कोई बात नहीं। अच्छा हुआ वक्त पर बच्चे को ले आए, वरना काफी खून बह रहा था। मैंने मरहम पट्टी और इंजेक्शन दे दिया है बच्चे को, आज रात पर देख लेते हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप कल बच्चे को ले जाइए। शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया डॉक्टर। माफ कर दे यार, मैंने बहुत गलत किया तेरे साथ, तेरे हक का पैसा खाया मैंने, उसके बाद भी तूने मेरे बच्चे की जान बचाई, माफ कर दे यार। हम दोनों की लड़ाई में उस बच्चे का क्या कसूर है? तू उसके साथ रह, वो ठीक हो जाएगा। चल उसे देखते। हाँ श्रद्धा। अभय वो वरुण जी बता रहे थे कि आप बैंक नहीं गए। भाई बैंक तुम क्या बोल रही हो? अभय सॉरी, वो मैं ये कह रही थी कि ऑफिस से बॉस का फोन आया था, आपने वेंडर को अभी तक पैसे नहीं दिए क्या? हाँ वो रास्ते में टक्कर। टक्कर? अबे आप कहाँ हैं, आप ठीक तो है ना, आपको लगी तो नहीं? अरे बाबा मैं ठीक हूँ, वो बंटी के बेटे को चोट आई है। मैंने देख लिया और उसकी मदद कर दी, बस उसी के साथ अभी अस्पताल में आया हूँ। बस अब वो वेंडर के पैसे तो आज नहीं दे पाऊंगा, कल चला जाऊंगा उसके पास। अच्छा ठीक है भाई, आप प्लीज अपना ध्यान रखिए। ठीक है। अबे ये खून, तू ठीक है ना? हाँ भाई मैं ठीक हूँ, वो बंटी के बेटे को चोट आई तो उसी को हॉस्पिटल छोड़ के आ रहा हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन तेरी बाइक कहाँ है? वो तो सुबह ही पंचर हो गई थी, तभी पैदल जा रहा हूँ।
चल अब तू मेरे साथ चल, मैं भी घर ही जा रहा हूँ, आ जा। चल रुक, तुझे क्या हुआ, तेरा क्यों उतरा हुआ? अरे नहीं यार, वो एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि आज घर पे कुछ हुआ है। कीर्ति से फोन पे बात हुई थी तो बहुत गुस्से में थी वो। अब श्रद्धा से तेरी बात हुई क्या? हाँ हुई थी, पता नहीं उसका भी दिमाग आजकल कहाँ रहता है। तेरा नाम लेके मुझे बैंक जाने को बोल रही थी। हाँ वो एक्चुअली अचानक मिल गई मुझे बैंक के बाहर ही। मुझे कुछ काम था ना वहाँ पे। क्यों अब कुछ कहा क्या उसने? कुछ नहीं, चले गए घर। हाँ चल। यार मैं ना सारे के सारे पैसे हार गई हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। अब मैं क्या करूँगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम ही मुझे कुछ बताओ ना। हाँ पर मेरे पास पैसे है ही नहीं अब बिल्कुल भी। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है, अभी फोन रखो। बॉस का फोन आया था, कह रहे थे कि पैसे लेने के लिए घर आ रहे हैं और खुद ही अपने हाथों से वेंडर को पैसे देंगे। एक काम करता हूँ, मैं पैसे निकाल लेता हूँ। क्या हुआ अबे? श्रद्धा बैग में पैसे नहीं है। पापा, भैया पुलिस आई है। पुलिस क्यों? इन्हें मैंने ही बुलाया है। आप में से श्रद्धा त्रिपाठी कौन है? मैं हूँ श्रद्धा त्रिपाठी। कंपनी के 10 लाख रुपए चुराने के जुर्म में हमारे पास आपकी गिरफ्तारी का वारंट है। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।